रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास एट, कैसे हैं आप लोग? अच्छा बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड 19 की चौथी वबाई सूरत हाल के पेश नज़र रवां तालीमी साल 2021 तथा 2022 का बाकायदा आगाज़ जो कि 5 अगस्त से होना था वो ना हो सका, मगर तालीमी सिलसिले को ज़्यादा दिनों तक मुअत्तल नहीं रखा जा सकता, इसलिए स्कूल की इंतज़ामिया ने फिर से ऑनलाइन तालीमी सिलसिले का आगाज़ कर दिया है। नए रवां तालीमी साल 2021 और ता 2022 का आगाज़ हम ऑनलाइन कर रहे हैं और इस सिलसिले में आपको निसाब भी दिया गया है मिखाते अव्वल का। तो मिखाते अव्वल का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आप सबको एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदेद कहती हूँ। आइए अब हम, अच्छा ये भी अब मैं बता दूँ थोड़ा सा बुक का आपको तारुफ बता दूँ कि किताब हमारी जो है वो फौजिया एहसान फारूकी किताब है, ठीक है, और किताब का जो नाम है वो है कमल, ठीक है। टाइटल पेज आ रहा है आपके स्क्रीन पे, टाइटल पेज में दिया है आपको, या आप देख लीजिए बुक को। अच्छा अब आपने किताब का सफ़ा नंबर जो है एक निकालना है, ठीक है, सफ़ा नंबर एक निकालिए। बाकायदा अब हम तालीम का सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आइए हम मिल सके दुआ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब मैं नज़म की बुलंदख्वानी आपके सामने करूँगी। किताब का सफ़ा खोल लीजिए आप लोग और नज़म की बुलंदख्वानी में कर रही हूँ, आपने पहले सुनना है और फिर ख़ुद करना है। खुदाया अव्वल व आखिर भी तू है, खुदाया बातिन व ज़ाहिर भी तू है, वो अव्वल तो के है आखिर से आखिर, वो आखिर तो के है अव्वल से फ़ाखिर, नहीं अव्वल को आखिर से जुदाई, वराए अकल है तेरी खुदाई, मुबर्रा कैद और इतलाक से तू, मुनंजो नफ्स वो आफाक है तू, ज़मी वो आसमां का नूर है तू, मगर खुद नाजिर वो मंजूर है तू, सिवा तेरे नहीं मौजूद कोई, ना आबिद है ना है माबूद कोई, मुसल्लम है तुझी को हुक्मरानी कि तेरी सल्तनत है जावेदानी। मोहम्मद इस्माइल मीठी की ये खूबसूरत हम जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर एक पर है, ये इसकी मैंने आपके सामने बुलंदख्वानी की है, आपको भी इसकी बुलंदख्वानी करनी है, ठीक है, और कॉपियाँ जैसे ही आपको मिलेंगी, ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि कॉपियाँ आ चुकी हैं स्कूल में और जैसे ही आपसे कहा जाएगा कि आकर आप परचेस कर लें, आप कॉपियाँ ख़रीद के काम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे, मिखाते अव्वल का निसाब लिखेंगे, ठीक है, जो कि दिया गया है आपको। मिखाते अव्वल का निसाब अपनी कॉपी पर दर्ज करना है और उसके बाद आपने टाइटल पेज बनाकर नज़म हम्द का जो है लिखकर खूबसूरत गुड हैंड राइटिंग में, जैसे किताब का देखिए सफ़ा नंबर एक पर कितना खूबसूरत बना हुआ है पेज, इसी तरीके से आपने ऐसा पेज बनाना है, सही है। और आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको यही बात बताई है कि नज़म हम्द की हमने जो है वो बुलंदख्वानी की है। इसके अलावा आप सफ़ा नंबर दो पर आ जाइए, किताब का सफ़ा नंबर दो, ठीक है, और इसमें तारुफ लिखा हुआ है मोहम्मद इस्माइल मीठी का, ठीक है। तो मोहम्मद इस्माइल मीठी का तारुफ जो है मैं आपको बाकायदा इसको जो है मैं अगले लेक्चर में आपको कराऊंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।